स्वाति मालेवाल का ये धमाकेदार इंटरव्यू आपने देखा है, वो पहली मर्तबा जो सीएम हाउस में उनके साथ बर्ताव हुआ उसके बाद मीडिया के सामने आई है। हम आगे भी आपको ये पूरा बयान सुनवाते रहेंगे, पूरा इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, लेकिन अब मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले एक और बयान सुनाना चाहती हूं, और ये बयान आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। गौर से सुनिएगा। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায়, বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। मैं ये राय नहीं मानूंगी, जिन्होंने आदेश दिया है वो इसे अपने पास रखे, बीजेपी की राय हम नहीं मानेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। ममता बनर्जी ये भाषा किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ बोल रही होती तो समझ में आता, वो किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ नहीं बल्कि बंगाल के उच्च न्यायालय के खिलाफ कह रही है। और पता है आपको क्यों? क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपसे 24 घंटे पहले दीदी को उनके किए पर जमकर फटकार लगाई है। आप ये पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि संविधान तो कहता है कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में 5 मई 2010 और 11 मई 2012 के बीच कई ऐसे ऑर्डर पास किए गए हैं जिसमें 77 जातियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। माफ कीजिएगा, अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? गलत यह है कि जिन 77 जातियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया है वो मनमाने ढंग से दिया गया है, और ये हम नहीं, ये कोर्ट कह रहे हैं। उन 77 में से 75 मुस्लिम वर्ग के हैं, और कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें बकायदा ये कहा जा रहा है, उसमें वोट बैंक का जिक्र है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ 77 क्लासेस एज ओबीसीज एंड देयर इंक्लूजन टू बी ट्रीटेड एज वोट बैंक। 93 का एक एक्ट है जिसमें वहां पर एक आयोग बनाया गया है, गठन हुआ है उसका, उसके उस आयोग के बगैर या फिर उसके उसके रेकमेंडेशन के बगैर, उसकी राय लिए बगैर आप ओबीसी में क्लासेस का गठन या उसे बाहर निकालने का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने ऐसा किया, उन्होंने ना तो ये राय उस आयोग से ली और ना ही किसी तरह का प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया कि ये तमाम जो क्लासेस यानी ये अलग अलग जो वर्ग शामिल किए जा रहे हैं ओबीसी में, इनको कैसे पता लगाया कि ये इतने पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग है कि इनको ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस पर फटकार लगी है, ममता बनर्जी कह रही है हम मानेंगे नहीं, लोकतंत्र की हत्या, इसे नहीं तो किसे कहेंगे? क्या कह रहे हैं अमित शाह, गृहमंत्री देश के, पहले सुनिए। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ और इस डिबेट की बकायदा शुरुआत कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, आपको कंचना यादव जी दिखाई दे रही है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी भी दिखाई दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमनाथ जी, लोकतंत्र की हत्या के माने आप समझते हैं? जब न्यायपालिका के किसी आदेश को आप कहें हम नहीं मानते हैं, ममता दीदी न्यायपालिका से बड़ी हो गई हैं? नहीं है, एक्चुअली हाईकोर्ट का डिसीजन हर टाइम सही है, ये हमारा संविधान भी बोल रहा है नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट जाने के अभी रास्ता क्लियर रखा है। हाईकोर्ट का अगर हर डिसीजन सही होता तो संविधान सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो नहीं रखता, संविधान में हाईकोर्ट ही लास्ट वर्ड होता, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो हाईकोर्ट का डिसीजन हम लोग ने नहीं माना, नहीं मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां पर अगर डिसीजन देगा उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है हाईकोर्ट जो बोलेंगे वही हमको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट का हर डिसीजन, नौकरी के बारे में भी आपको मालूम है हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, और बंगाल हाईकोर्ट
कोई तो आपको तो मालूम है, कोई भी जज बोल रहा है। एक सेकंड, मैम रूबिका जी प्लीज, हमको एक सेकंड रूबिका जी, आपके पास पूरा टाइम है। मैंने पूरी बात की, बढ़िया 30 सेकंड दे चुकी हूँ, और 30 सेकंड में मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानती हूँ। आप कौन होते हैं कहने वाले कि हाईकोर्ट का डिसीजन हम नहीं मानेंगे? ममता बनर्जी सुनिए, ममता बनर्जी कह रही थी सब जुडिशियल मामला नहीं बोलूंगी, लेकिन किस हैसियत से वो कह रही है कि हम नहीं मानेंगे? हाईकोर्ट बीजेपी है, क्यों बोली कि बीजेपी की राय नहीं मानूंगी, बीजेपी का आदेश नहीं मानूंगी? हाईकोर्ट बीजेपी है। अभी 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 क्वेश्चन की आंसर तो लेने दीजिए, लेने आंसर तो लीजिए, क्योंकि कोई भी जज, हाईकोर्ट का जज, वो रिटायर्ड होने से पहले ही बोल रहा है मैं बीजेपी का साथ कनेक्टेड था, उसको तुम लोग को टिकट देना पड़ा। कुछ दिन पहले एक हाईकोर्ट का जज रिटायर करने से पहले बोल रहा था मैं अटल बिहारी वाजपेयी का घर का जो बिस्तर है उसका चादर ठीक करते थे, मैं आरएसएस से बहुत दिन से जुड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग नहीं बोल रहे, वही जज बोल रहा है मैडम, संविधान ने बोल रहा है। क्या बोलिए? नहीं, कल को आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो थे वो इससे पहले कई पार्टियों से जुड़ गए, कई जगह से राज्यसभा गए, कई अलग अलग राज्यों से, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया या टीएमसी हो गया? ममता बनर्जी ने बोला है क्या? ममता बनर्जी, अरे ममता बनर्जी वही तो बोला हूँ ना, आप तो सुनने के लिए तैयार? ममता बनर्जी ने बोला, आप लोग की जो मर्जी में आता करते हैं, आपके यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है और पूरे गांव में गाते फिरते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी किस हैसियत से कह रही है कि वो हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी, वो बीजेपी के आदेश को नहीं मानेंगी? आप देश की न्यायपालिका को मजाक समझते हैं? आपका पार्टी को हर मजाक तो आप लोग बना के रखा है। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, ममता बनर्जी के आगे नतमस्तक हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए तो लोकतंत्र बचा रहेगा, तो न्यायपालिका की इज्जत रहेगी। ना 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 खाता ना बही, जो ममता बनर्जी बोले वही सही। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, बहुत इंटेलिजेंस हो गया सर, रुक जाइए, बस। प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर नहीं दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर अभी भागिए। रूबिका जी, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, ये एक मुख्यमंत्री का बयान ना होकर अराजकता की हुंकार भरने का एक प्रयास है और निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हाईकोर्ट के आदेश से अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत भी है तो हाईकोर्ट के आदेश के आप अपील कर सकते हैं, और जब तक अपील में स्थगनादेश ना मिले तब तक उस आदेश को स्वीकार करना संवैधानिक बाध्यता है। इस तथ्य को नकार कर हाईकोर्ट के आदेश को बीजेपी का आदेश कहना, यह निश्चित तौर पर सुश्री ममता बनर्जी ने अपने अराजक होने का प्रमाण पत्र दिया है। और जिस तरह से वो रिजर्वेशन भी जी, हाईकोर्ट किस बात पर उन पर आपत्ति कर रहा है कि भाई आप ओबीसी जातियों में 77 ऐसी मुस्लिम जातियों को शामिल कर रही हैं जिनके पिछड़े वर्ग होने का कोई आधार नहीं है। आपने अगर कोई प्रक्रिया पूरी की होती, प्रक्रियागत ढंग से अगर आपने मुसलमानों की कुछ जातियों के पिछड़ेपन की शिनाख्त की होती, उसके प्रमाण दिए होते, पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसको सम्मति दी होती, तो उसके आधार पर आप पिछड़ा विविध राज्यों में मुस्लिम समाज की विविध जातियों को पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान्यता दी है और उन पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप रोहिंग्या को कह देंगे कि ये पिछड़ा है, हाँ, कैसे स्वीकारा जाएगा? ओके, यही बात सोमनाथ जी, उसमें जो 6 जातियां हिंदुओं की ऐड की गई है वो भी सम्मिलित है, और बाकी जातियां जो मुसलमानों की, किस आधार पर किया है? आप लोगों ने कमीशन से तो राय भी नहीं ली है, कमीशन कह रहा है ना हमसे तो कोई राय नहीं लेगी इस पे। राइट मैम, अभी अभी हमको कंटिन्यू 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आपको मालूम है 34 इयर्स यहाँ पर सीपीएम का राज था, और जाने से पहले सचा रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रो का रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर मुस्लिम लोगों का हालत सबसे खराब था, इंडिया में सबसे खराब था मुस्लिम लोगों का। आपको मालूम है ओबीसी सर्टिफिकेट उनको ही दे जाते हैं जिनका सामाजिक, अर्थनैतिक और शिक्षा में पीछे है, उनको ही देना चाहते हैं। आपको आप ये भी जानते हैं एक कमेटी जिसका चेयरमैन था वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, नॉट पॉलिटिशियन, वन ऑफ द ऑनेस्ट ह्यूमन आल्सो, उपेन विश्वास, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेजा था,
वो एज ए चेयरमैन इसको लीड किया था। और आप बोलिए ना मैम 2.7 करोड़ तो मुस्लिम है, उसमें से 5 लाख ही ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है। और ये प्रेम शुक्ला जी लोग ऐसे बोल रहे हैं जिस 2.7 करोड़ सबको मुस्लिम को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया ममता बनर्जी ने, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। सिर्फ 5 लाख 2.7 से अब सिर्फ 5 लाख जी 2.7 से 5 लाख। कमीशन ने किस आधार पर, यही तो आपसे पूछ रहे, किस आधार पर? एक साहब आकर बोले दो गाड़ियां हैं उनके पास, पर कहा जीना मेरा मुश्किल है, बहुत महंगाई आ गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उनके कहे अनुसार आप लोगों ने तय कर दिया, मापदंड पूछा गया कि किस आधार पर आपने ये तय किया है कि ये फला जो जाति है वो ओबीसी में जाने लायक है। कमीशन के पास कोई सीधा वो नहीं था, और उसके पन्ने मेरे पास है, मैं कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ के बैठी हुई हूँ। दिलीप मंडल जी नहीं, ये मजाक नहीं है सर, प्लीज इधर उधर की बात, सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन, सबकी बात आज मत कीजिए। मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ, जजेस यहाँ पर हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, पूरा जजमेंट पढ़कर बैठी हुई हूँ मैं। दिलीप जी मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम को अलग आप करने आप हकमारी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सर। कोशिश कर रहे हैं दिलीप मंडल, कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को बंगाल में इलेक्शन कर, आप कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, आप लोग कर रहे हैं। हाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है, हाईकोर्ट का आदेश कौन नहीं मान रहा है। आप लोग इससे कुछ फायदा नहीं होगा मैडम, इससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। सोमनाथ दा सुनुन 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 जेटा हुए छे ना असले जे जे बांग्ला की हुए छे जो जानें आंध्र प्रदेश जे मुस्लिम वोटर देवा चेष्टा हुए छे मुस्लिम देर रिजर्वेशन सेटा असले देखे छे जे कोर्टे ओटा आटक हुए गए छे ओटा होय नी दैट्स व्हाई दे ट्राइड टू इंप्लीमेंट इट इन अ कैलेंस्टाइन मैनर थ्रू अ बाईपास। मुस्लिम आरक्षण देना था and that reservation was given through OBC reservation, that's why a special category eta hoyeche asole bujhte pachhen, and you can't fool everybody like that. Ha ja hoyeche seta janen apni dilip babu, apni ye jante hai ki no that is not the truth. Andhra Pradesh mein OBC arakshan na bangla channel par na angrezi channel par dilip ki aisa bole na ki मेरी जो फाइन सो देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, को मत समझाइए, वो नहीं समझने वाले हैं आप। हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, यू फाइंड अ वे, आपने एक रास्ता निकाला, आपने एक बाईपास निकाला, ओबीसी में कैटेगरी बनाई, सारे मुसलमानों को उसमें डाल दिया। तो ये अगर मुसलमान वो ओबीसी थे तो आपकी पुरानी लिस्ट में क्यों नहीं थे? ये अचानक से एक कैटेगरी क्रिएट की गई और उस कैटेगरी में आपने 75 मुस्लिमों को मुस्लिम जातियों को डालकर आपने एक सेपरेट कैटेगरी बना दी, तो ये मुस्लिम आरक्षण हुआ ना। और रिलीजियस आरक्षण हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से आप रिलीजियस आरक्षण दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आपने धार्मिक आरक्षण देने की कोशिश की, आपने संविधान को नष्ट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जब तक अपील पर फैसला नहीं आता है तब तक हाईकोर्ट ऑर्डर स्टैंड्स, वही ऑर्डर इस देश का कानून है। जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप अगर इस कानून को नहीं मान रहे हैं तो केंद्र सरकार को 356 लगाकर इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, अगर वो संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं तो। सिंपल, इसका कोई तरीका नहीं है, वरना इस देश कैओस में चला जाएगा, अराजकता में चला जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं माना जाएगा तो ये देश नहीं चल सकता है। आप जो चाहे कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, हाई कोर्ट की बात आपको माननी पड़ेगी। करता है नहीं तो आप सरकार चली जाएगी, आपकी बर्खास्त हो जाएगी सरकार। समझ रहे हैं आप, 100 बार जा चुकी है, 356 में सरकारें चली जाएंगी। कहाँ अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? ममता बनर्जी के इस बयान पर लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई? अच्छा हुआ मेरे साथ आप हैं और मेरे साथ दिलीप सर भी हैं। मैं दिलीप सर से पूछना चाहूंगी, सर आपने तो बहुत लिखा था कि जो ये निरीगिरी पूरी गोस्वामी जी से पूछ लीजिएगा, मैं अलग से सेशन आपके लिए क्वेश्चन आंसर का बना दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ममता बनर्जी के सवाल पर क्यों भाग रही हैं आप? रूबिका जी, कंचना जी, आप जवाब, यू आर अ डियर फ्रेंड, मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन इस सवाल से मैं आज आपको भागने नहीं दूंगी। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ममता बनर्जी ने जब कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर वॉर्डर नहीं मान रही हूँ मैं, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? लालू जी ने हमेशा हाईकोर्ट का ऑर्डर कादर किया ना। अगर आप दोनों को जवाब सुनने की क्षमता हो तो मैं जवाब दूं, अगर क्षमता नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है मेरे जवाब देने का। क्षमता है तो सुन लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जजमेंट आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा था। आप क्लैप कर रही है, मैं भी आपके लिए यहां से सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे।
सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मुझे बयान बता दीजिए कि किसी सीएम ने ये कहा है कि नहीं मानूंगा हाईकोर्ट का ऑर्डर। एक ऑर्डर बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए। कंचना यादव, ये रूबिकल लियाकत आपको चैलेंज कर रही है, एक इंस्टेंस बता दीजिए जब ये कहा हो किसी मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए कि नहीं मानती मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर। बताइए मुझे किसने कहा, किसने बताइए, क्षमता रखिए जवाब देने का। बताइए किसने कहा कि नहीं मानता मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर। 40 मिनट आप ही बोल लीजिए, चलिए हमारा भी समय आप ही ले लीजिए और दिलीप जब आप मुझे डिरेल करेंगी तो मैं बोलूंगी। हुआ है उनको भी दे दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। आपको कहना पड़ेगा गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्यों दिया 80 जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में बेनिफिट। ये आपसे भी ये सवाल, ये दिलीप मंडल जी से भी ये सवाल, आपसे भी ये दोनों सवाल है। हमेशा ओबीसी में रहे हैं, अलग से ग्रुप बना के बॉक्स बना के देना मुसलमानों को। जेडीएस ने जो प्रॉमिस किया, जेडीएस ने जो प्रॉमिस किया, दिलीप सर आपको बुरा तो नहीं लगा होगा, उसने बोला कि हम 4% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे। साउथ में जाए भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनानी होगी तो किसी भी स्तर तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं मैडम। बहुत चालाकी से आपको यहाँ मैं क्लियर कर दूं, संविधान ने ये इजाजत दे रखी है कि जो जाति पिछड़ी है उसे अगर जरूरत है आरक्षण की तो उसे शामिल किया जा सकता है ओबीसी में। मुसलमान ओबीसी में है, बहुत सी ऐसी जातियां हैं। एक सेकंड कंचना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, सच्चाई नहीं है सुनने की। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या क्या मोदी सरकार ने, क्या राहुल गांधी ने, क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानते? क्या लालू प्रसाद यादव को सजा मिली तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर? क्या तेजस्वी यादव ने कभी ऐसा कहा कि उच्च न्यायालय का मैं ऑर्डर नहीं मानता? ममता बनर्जी को मत बचाइए, हकीकत सुनिए आप। यहाँ पर मंडल कमीशन में मंडल जी बैठे हुए हैं, बताएंगे गैर हिंदू जातियों को ओबीसी में आरक्षण देने की बात हुई है, नहीं हुई बात कीजिए। अरे हमने पूरा आपको वही के एक जज थे भाई साहब, वही के एक जज थे और कहते हैं कि हम तो संपर्क में थे सीधे बीजेपी से आरएसएस से, लेकिन आपको समस्या नहीं होगी वहाँ पर। कूलिंग पीरियड जैसा कोई समस्या नहीं होगी, आप भी ये मान रही हैं। कूलिंग पीरियड नहीं दिया ना, बीजेपी से कैंडिडेट हो जाते हैं और यहाँ पर कोलेजियम में बहुत ध्यान देते हैं हमारे दिलीप जी। कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव ने कब मुसलमानों का अलग से आरक्षण दिया है? मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप हमारे सवाल अलग से दिया ना इसको, प्रॉब्लम ये है ममता बनर्जी अलग से दे रही है। इस सवाल का जवाब दो दे दो कि मोदी के समय में क्यों मिलता था अभी भी मिलता है, मोदी के समय में केंद्र सरकार में भी ओबीसी में आरक्षण मिलता है ना। गिरीपुरी और गोस्वामी जो ब्राह्मण जातियां हैं उनको ओबीसी में क्यों डाला गया? आप नहीं दे सकते कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको जबरदस्ती ओबीसी में क्यों डाला गया? आप नहीं जवाब दे सकते उत्तराखंड में जो कुछ ट्राइब जातियां हैं उनको अभी 2023 में क्यों ओबीसी में डाला गया? बता रही हूं मुझे और कोई भाषा नहीं आती है, मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ। अदर बैकवर्ड कास्ट में ओबीसी में मुसलमानों को, उन जातियों को जो सच में पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको आरक्षण देने से किसी को आपत्ति नहीं है। ये हिंदी में मैंने आपको समझा दिया और शुद्ध हिंदी में समझा दिया है। मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ कि ओबीसी में मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी और उस पर ममता बनर्जी की दादागिरी पर डिबेट कर रही हूँ। डू नॉट ट्राई टू डीरेल माय डिबेट, एज सिंपल एज दैट मैडम। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को दिक्कत है, मैं ये कह रही हूँ कि उसका आधार क्या है बताइए, और उस आधार को अगर हाईकोर्ट नकार रहा है तो ममता बनर्जी किस हैसियत से कह रही है कि नहीं मानूंगी? बस बोलती रहेंगी क्योंकि फंस गई है ना, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। शर्म लिहाज लज्जा नाम की कोई चीज नहीं, आप कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। न्यायपालिका को बीजेपी करार दे दिया, अब कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, ओबीसी का क्यों खात्मा किया जा रहा है? ये देखिए ओबीसी का खात्मा, मैं फिर कह रही हूँ हिंदी में समझा दिया, अब और कौन सी भाषा में समझाया जाए कि सवाल समझ में ना आए। प्रेम शुक्ला जी,
नहीं, अरे बोल दिया, वो नहीं सुनेंगी, बहुत मुश्किल है उनके लिए आज सर। हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए लालू जी जेल गए थे, ममता बनर्जी हाई कोर्ट का ऑर्डर कर रहे हैं। मुझे तो बस एक चीज का जवाब दीजिए, संविधान ने आप तोड़ दिया ना, दिलीप बाबू आपको मालूम नहीं है, संविधान ने वही स्कोप दिया है हम लोगों को, वही स्कोप दिया है हमको। जहाँ पर अन्याय अगर कोई डिसीजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया है हम लोगों को। जोड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई है रूबिका जी, ये कंचना जी लगातार शोर मचा रही है, तर्क वितर्क करना चाहिए, सिर्फ शोर मचाने से क्या लाभ है जी? रूबिका जी आपका प्रश्न है, मैं सुन नहीं पाया, मैं कह रही आपका प्रश्न में सुन नहीं पाया रूबिका जी। उनके सर ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके उनके शैक्षणिक आधार पर, उनके कमाई के आधार पर, उनके गरीबी के आधार पर, ये मेरा डिबेट है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राह बना रखी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट बकायदा अपने ऑर्डर में ये चीजें लिख रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लिए ये सारा काम किया गया और ममता बनर्जी मानने को राजी नहीं और कह रही नहीं मानती मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर। अभी आपने ये कह दिया होता ना, आपके किसी राज्य के सीएम ने कह दिया होता तो फिर देखते आप जी, तो सारा संविधान खतरे में आ जाता जी। अब तक जो है राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद यादव जी से लेके अखिलेश यादव से लेके स्टालिन तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लगातार इतना कोलाहल करते संविधान को लेकर। भाई मैं लालू प्रसाद यादव जी से बहुत मामलों में असहमत हूँ, लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव को इस देश के ट्रायल कोर्ट ने पनिशमेंट दिया चारा चोरी के मामले में, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया ना, वो जेल गए ना, उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं, उन्होंने स्वीकारा उसको विनम्रतापूर्वक। और कंचना जी आप इस पर एजिटेट हो रही नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना, इस तरह से अगर ओबीसी के आरक्षण पर जो ओबीसी जातियां अभी तक जो है प्रक्रिया के तहत मान्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, अगर ओबीसी का हक वो छीनती है, तो इस पर तो आपको उल्टा जो है उत्तेजित इस बात पर होना चाहिए कि रोहिंग्या जो है वो ओबीसी कैसे हो जाएगा। दिलीप मंडल जी जो है सामाजिक न्याय के लिए आपसे कम पक्षधर नहीं है, जवाब दे दीजिए। दिलीप मंडल जी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर है और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहते हैं, बहुत सारे मामलों में उनसे असहमत भी रहते हैं, लेकिन दिलीप मंडल जी भी यही कह रहे हैं ना कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा, जो लोग सामाजिक न्याय पर डाका डाले उनके विरुद्ध खड़े हो। सर एक सेकंड, मैं काउंटर जाती हूँ कंचना जी, 30 सेकंड प्लीज। जी जी, मैं काउंटर देती हूँ इनको, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हुआ तो एक बात बताइए, जो जनरल होता है उसमें तो ओबीसी भी अपीयर हो सकते हैं, उसमें एससी एसटी कोई भी उस रैंक को क्वालिफाई करके जा सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस लागू होने से वो तो छीन गया उनका 10% का, आप उसको गैर संवैधानिक तो नहीं मानते हैं? लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार सर, ये बताइए जब ट्रांसजेंडर को, जब उत्तराखंड के कई ट्राइब्स को, जब निरी पूरी गोस्वामी बनिया इन जातियों को उठाकर जब ओबीसी में डाल दिया गया, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जाति को उठाकर ओबीसी में डाल दिया गया, वो जन्मजात ओबीसी नहीं थे, आपको कोई संविधान खतरे में नहीं दिखा? लेकिन अच्छा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, कोर्ट में जाइए ना, किसने रोका है? लेकिन जब आप कोर्ट के जजेस को, कोर्ट को इस तरीके से आप लोग खुले आम चैलेंज करते, टिप्पणियां करते और फिर कहते लोकतंत्र खतरे में है, मुझे इस बात से आपत्ति है। और हेलो मिस्टर सिंह रॉय, आप सुनते जाइएगा, ये एक जज थे बहरुल इस्लाम, 1956 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, 1962 में राज्यसभा भेजे गए, 1968 में राज्यसभा भेजे गए, एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर लिया और फिर क्या किया, ही वाज देन अपॉइंटेड जज ऑफ द असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में 1972 में। तो क्या हुआ सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सबके सब जो हैं वो आप जो आज सोच रहे हैं बीजेपी के हो गए, उस वक्त कांग्रेस के हो गए थे। शर्म कीजिए ना सर, थोड़ा सा रुक रहे कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।